ये दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है, अभी 7 भी नहीं बजे मैं उठी की थी। छोटे में पता क्या गया, उसने अपने कपड़े गीले कर दिए थे सारे, तो रोने लग गया था। तो मैंने उसके कपड़े वपड़े चेंज किए और नीचे मम्मी और के साथ चला गया, तो इसलिए मैं जल्दी उठी। और मम्मी चाय लेके भी आ गई मिलने, तो चाय और बिस्किट लेती हूँ, फिर मैं भी जाती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा मेरा वीडियो का काम है, उसको निपटाती हूँ, और थोड़ा सा कुछ और काम भी है, उसको निपटा के फिर मैं भी जाती हूँ 7 बजे तक नीचे। तो आप लोग बोल रहे थे ना कि मेरे सास ससुर नहीं दिखते वीडियो में, तो आजकल ना जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उनको तो पता होगा आजकल काम का टाइम है, मतलब बहुत ज़्यादा काम होता है इस टाइम पे। तो मम्मी और सिर्फ रात को टाइम मिलता है छोटों के साथ खेलने का, और रात तक मैं उस टाइम तक मैं ब्लॉग एंड कर देती हूँ। फिर जब तक तो मैं खाना वाना बनाती हूँ, तब तक तो मम्मी और उसी के साथ खेल रहे होते हैं, पापा मम्मी दोनों के दोनों, तो मैं दिखा नहीं पाती क्योंकि पापा भी दिन भर काम पर रहते हैं। पापा भी रात को ही आते हैं घर पर, और मम्मी भी दिन भर काम करते रहती है, और फिर रात को ही मतलब आराम से बैठते हैं। तो दिन में भी बैठते हैं, लेकिन दिन में फिर मैं अंदर का ब्लॉग कैप्चर नहीं करती उस टाइम पे। वैसे मम्मी पापा बहुत प्यार करते हैं उसको, छोटों को। और वैसे तो आपको पता ही होगा कि बोलते हैं ना, दादा और दादा दादी और पोता जो भी होता है तो वो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, तो ऐसे कुछ सीन है। तो मेरे से ज़्यादा प्यार मेरे ससुर करते हैं उसको, तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पकड़ते या कुछ भी। बस 2-4 दिन का और काम, उसके बाद आपको वही दिखेंगे ब्लॉग में। गैस एक चीज़ दिखाते हैं आपको, ठीक है? ये देखो, दादी भागवत कथा सुन रही है, और दादी के साथ लेट के देखो, वो भी देख रहा है। दादी का नाती भी देख रहा है भागवत का था। शाबाश, गॉड ब्लेस यू। भागवत सुना है? भागवत सुन ले। ध्यान उसका ध्यान पूरा उधर है, रूप जी पे है ना, है ना गोगी? अभी नहीं देखेगा, उधर ही देख रहा वही पूरा। तो गाइस, आज मैंने छोटो को नहलाया नहीं है क्योंकि सवेरे से मौसम ना खराब सा हो रखा था, उसको मैंने सुला दिया है। तो अभी धूप आ गई बाहर, सवेरे से खराब हो रखा था, तो मैं इसको दिन में नहलाऊंगी। उससे पहले अपने काम निपटा लेती हूँ फटाफट, कपड़े वपड़े धोने के लिए वो धो देती हूँ, और आज कमरा वमरा सेट करना, ऊपर बहुत खदेड़ा मच रखा है तो वो कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे, ठीक है? गाइस, कसम से मेरा बेटा इतनी बार उठ गया और इतनी बार सो गया, मुझे खुद पता नहीं चल रहा कर क्या रहा है लड़का आज। तो मैं चलती हूँ ऊपर, भी मैंने इसको सुला दिया है, और मैं ऊपर चलती हूँ और अपना काम निपटाती हूँ। 11 तो वैसे ही बज ही गए हैं, अभी थोड़ी देर में खाना बनाने का टाइम भी हो जाएगा। और वैसे भी आज मुझे खाना बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आज मैंने मूली का साग बनाना है, इसलिए आलू मूली का, उसकी तिचौड़ी बनानी है। और यार, मेरी पेंट की बाल्टी सूख गई, मैंने सोचा था आज मैं पेंट करूँगी, आज मैं पेंटर बनूँगी, पेंटर। अरे पता क्या हुआ, मेरे यहाँ पे ना वो था, चाय रखती हूँ ना मैं, चाय का गिलास वगैरह, कप वगैरह, और मैंने तो कभी नहीं गिराई, पर राहुल आए थे घर, तो वो क्या करते हैं, रखते हैं और फिर भूल जाते हैं, और वो पता नहीं कैसे गिर जाते हैं, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पूरा गंदा हो रखा था, तो मैंने यहाँ पे वो किया, चूना चाना जो भी होता है वो किया। तो और एक और बात आई, याद आई मुझे साग से, तो मुझे कमेंट आया था कि दी आपके यहाँ पे हर चीज़ को साग ही बोलते हैं क्या, हर दाल को साग बोलते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है ना, पहाड़ों की कॉमन लैंग्वेज बोल सकते हैं, जो चीज़ मतलब हम चावल के साथ खा सकें, जिस सब्जी को हम चावल के साथ खा सकें उसको हम साग बोलते हैं। और वैसे मुझे पता है साग सरसों का होता है, जब तक मैं चंडीगढ़ रहती थी मैं अभी सरसों का ही उसका साग बोलती, लेकिन अब ये है कि जैसे लगा लो तोरी के बना लिए जो हम मतलब उसके साथ खा सकते हैं, एक तो होता है तोरी की सब्जी, उसमें थोड़ा सा पानी डालो वो साग बन जाता है यहाँ, तो हमारे पहाड़ों में ऐसे ही होता है। तो या कॉमन लैंग्वेज समझ सकते हो आप एक तरीके से, लेकिन हर किसी को साग नहीं बोलते, अलग अलग चीज़ें बोलते, वैसे ऐसे बोल सकते तोरी का वो ये वो अलाना फलाना ऐसे, पर साग ही मुँह में यही बैठा हुआ कि हाँ साग। और एक और चीज़ एक होता है ना भुजी बोलते हैं हम लोग, तो यहाँ क्या जैसे वैसे तो आमलेट वगैरह की भुजी वगैरह होगी उसको हम भुजी बोलते हैं ना मतलब बाहर, लेकिन यहाँ क्या होता है पहाड़ों में कोई भी सब्जी कोई भी उसको भुजी बोलते हैं, तो वो भी थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है कि भुजी 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 ऐसा होता है। तो अब आदत पड़ गई इन चीज़ों की, तो अब नहीं लगता, लेकिन पहले पहले थोड़ा बहुत लगा था मुझे भी, क्योंकि हमारे इधर सब्जी बोलते हैं लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत भुजी वगैरह यूज़ होती है कई जगह, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगता था पलट पटा सा, लेकिन अब आदत पड़ गई है। और इसी के साथ मेरे कमरे की हालत देखो, वाह इतना सुंदर कमरा, क्या यार। मैं सोच रही हूँ, मुझे वैसे कमेंट आया था, सही बात है, आपने ये बात बहुत अच्छी बोली मुझे कि कहते आपने सारे दीवारों पे फोटो लगा रखी, तो इधर भी है और इधर भी है और इधर भी, तो ये थोड़ा गंदा सा भी लग रहा है, तो मैं क्या करूंगी ना, मैं ये वाले हटा दूंगी,
ये वाले मैं सोच रही थी कि मेरे को टाइम मिलता है, टाइम कहाँ मिल रहा है, मैं सोच रही थी मार्केट जाने का टाइम मिलता है तो मैं क्या करूंगी, ये जो मेडल्स वगैरह ना ये एक फ्रेम में करवा दूंगी, तो इस फ्रेम को भी कहीं टंगा दूंगी, ऐसे नहीं टांग, ऐसे टांग के बेकार लग रहे हैं ना, पहले पहले तो ऐसे शॉक शॉक में टांग दी मैंने, क्योंकि राहुल क्या कर रहे थे, कहते कि उस टाइम पे उनका ये ड्रीम था ना कि मुझे क्रिकेट में जाना, मतलब ऐसे जाना है, तो उसके लिए मिले होंगे इनको, तब जब वो क्रिकेट में गए नहीं तो वो आर्मी में चले गए, तो उनको फिर गुस्सा होगा, सब गुस्सा पता नहीं क्या है, उन्होंने क्या किया कि अपनी सारी ट्रॉफी और अपने सारे मेडल एक थल में भर के रख दे, कहते फेंको इनको, तो मुझे ऐसा हुआ कि यार मेरे बंदे ने इतनी मेहनत की हुई है और फेंक दो एकदम से ट्रॉफी, तो फिर भी कहीं पता नहीं कहाँ कहाँ डाल दी उन्होंने, लेकिन जितने मेरे से हो सका मैंने संभाल के रखी है कि मतलब नहीं मैं नहीं फेंकूंगी, क्योंकि आपकी मेहनत है, और गुस्सा तो आता है बंदे को, क्या कर सकते हैं, थोड़ी फैमिली कंडीशन भी देखनी पड़ती है, अब चलेगी आर्मी में तो क्या कर सकते हैं उसका, तो ये मैंने इसलिए संभाल के रखे थे, वो नहीं कह रहे थे संभालने को, वो तो कह रहे थे इनको साइड करो, लेकिन मैंने जानबूझ के रखी मैंने ये संभाल के, और क्या बोलते हैं ये वाली बॉल ना मैं खाली कर दूंगी, ये वाली इधर अगर ज्यादा ही वो हुआ तो इधर टांगूंगी, ये इधर इधर रखूंगी, लेकिन इधर भी तो जगह नहीं है, मेन तो वही है, इधर भी जगह नहीं, लेकिन मैं ट्राई करूंगी, क्योंकि मैं कुछ नया करने की सोच रही हूँ इस बार कमरों में, मैं सामने वाला कमरा भी मैं उस चीज के लिए बना रही हूँ अपना, जैसे मतलब मेरे कई बार प्रमोशन वगैरह होते हैं तो ये क्या होता है, ये चमकती है, ये वाली बोल ना फेस पे चमकती है, तो मैं उसको व्हाइट करने की सोच रही हूँ, तो ये बहुत सारे चेंजेस करूंगी मैं, तो क्या पता टाइम के साथ साथ ये कमरा और अच्छा हो जाए, और थोड़ा सा इसलिए भी सोच रही हूँ मैं कि मैं मतलब मैं चाहती हूँ इसको घर को और अच्छा बना सकती थी, लेकिन थोड़ा मेरे को ऐसा है कि कल को फिर हम बाहर वगैरह चल जाएंगे कहीं, तो फिर ये हो जाता है ना कि यार इतने पैसे यहाँ भी लगाओ, इतने पैसे यहाँ भी लगाओ, थोड़े से वो पैसे बचे रहेंगे तो बाहर काम आ जाएंगे, तो देखते हैं क्या होता है, घर वाले क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद मतलब सबके उससे क्या डिसीजन से, उसके बाद सब मेन तो पापा जी क्या बोलते हैं, उसके बाद होगा घर की हालत उलत तब चेंज होगी, ठीक है, तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके थोड़ा सा आइडिया देना मैं अपने कमरे में और क्या क्या चेंजेस कर सकती हूँ इनको छोड़ के, तो बताना मुझे, और मुझे लास्ट में कुछ समझ नहीं आएगा तो मैं सारी फोटोज पहले कमरे में डाल दूंगी मम्मी और के कमरे में लगा दूंगी उधर, तो चलो देखते हैं क्या होता है, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बता रहे, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ती जरूर हूँ, क्योंकि मुझे अभी ना कुछ दिन पहले एक वो आया था, दी आप रिप्लाई खुद करते हो कि आपने बताया था आपका अकाउंट कोई और हैंडल करता है तो वो करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, कमेंट मैं भी पढ़ती हूँ वो पढ़ते हैं, और कहीं कमेंट जैसे मैं पढ़ नहीं पाती हूँ तो वो मुझे बता देते हैं, मैं उनको बता देती हूँ कैसे रिप्लाई कर दो, लेकिन मुझे सारे कमेंट मेरे तक पहुँच जाते हैं, तो इसकी बिल्कुल टेंशन मत लेना कि आपके कमेंट मैं पढ़ नहीं रही हूँ या मेरे तक नहीं पहुँच रहे, कमेंट में सारे रीड करती हूँ, ठीक है, तो चलो इस खलेरे को संभालती हूँ मैं और फिर देखते हैं क्या काम है, और तो गाइस मैंने बताया था आज मैं आलू मूली का साग बनाने वाली हूँ, तो ये मैंने कढ़ाई में प्याज टमाटर लहसुन और मिर्ची डाल दी है, और ये मूली खींच के रखी हुई है, ये आलू खींच के रखी मैंने थोड़े से, मूली सबसे लास्ट में डालते हैं क्योंकि नहीं तो इसमें कड़वाहट आ जाती है साग में, तो मैंने बेसन रखा हुआ है, इसमें मसाले मिक्स करके इसमें डालूंगी, और उससे पहले डाल देती हूँ आलू, और जो हमारे पहाड़ी है ना उत्तराखंड के लोग, तो मैं गारंटी के साथ बता सकती हूँ कि 90% लोगों को आलू मूली की खिचौड़ी पसंद होगी, ये हमारे यहाँ का फेवरेट भी डिश भी बोल सकते हैं, एक तरीके से फेवरेट भी है और काफ़ी अच्छा भी होता है और हेल्दी भी है साथ में, तो मैं बेसन में डाल दूँगी थोड़ी सी हल्दी और धनिया और थोड़ी सी मिर्च, क्योंकि मैंने पहले ही हरी मिर्च डाल चुकी है उसमें, तो मिर्ची ज़्यादा हो जाएगी, तो और थोड़ा सा मसाला, तो ये अब मैं मिक्स करके इसमें डाल दूँगी, तो ये मसाला डाल दिया मैंने बेसन में और इसको डाल दूंगी इसमें, तो इसमें सब कुछ ऑलमोस्ट डाल चुका है, सब तैयार हो चुका है, ये बस इसमें थोड़े से पानी की क्वांटिटी बढ़ानी है, और जिस हिसाब से मतलब आप लोग होंगे उस हिसाब से पानी डालोगे इसमें, और साथ में ये क्या बोलते हैं इसको मूली, ये सबसे लास्ट में डाल देंगे, जब सारा मसाला अच्छे से मतलब पक जाएगा सब कुछ हो जाएगा तो लास्ट में डालते हैं मूली, ताकि इसमें कड़वाहट ना आए, और एक और चीज, ये चीज मुझे पहले पता नहीं थी, तो उस टाइम पे क्या होता था मैं मूली और आलू दोनों साथ में डाल देती थी, तो वो जो साग बनता था ना वो कड़वा कड़वा बनने लग जाता था, तो अब मुझे पता चल गया तो अब टेस्टी बनता है, तो गाइस तैयार हो गए, सुंदर लगती ना यार मैं अभी, पर मेरे को टाइम नहीं मिलता खैर मैं परमिशन निपटा रही थी, तो मैंने सोचा एक एक आउटफिट आपको भी दिखा दो अपना, तो दो तो मैं निकाल चुकी हूँ लेकिन वो दिखाना भूल गई, लेकिन ये वाला देख लो कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताना, ठीक है, आप बताना कौन सा सबसे अच्छा लग रहा है मेरे पे, अरे गाइस आपको पूरा दिखा नहीं पाई पूरा आउटफिट, क्योंकि यहाँ देखो कितना खलेरा मच गया, खलेरा तो छोड़ो पर क्या हुआ कि मैं जब भी कुछ कर रही होती हूँ ना काम वगैरह, मेरा बच्चा रोने लग जाता है तो मुझे नीचे जाना पड़ेगा, खलेरा देख सकते हो पूरा खलेरा पड़ गया यहाँ चारों तरफ, तो शाम का टाइम हो गया और मैं बैठी हुई थी यहाँ पे, और जरा इस टूटी छतरी को जरा साइड रखी ये हमारी खेतों की छतरियाँ हैं, इधर आना जरा,
गैस मेरा देवर ना पता नहीं इसको क्या हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसको कम से कम 2 हफ्ते से ऊपर हो गया, 2-3 हफ्ते से ऊपर हो गया। ये आदमी इतना फोन में लगा हुआ, इतना ज्यादा, पता नहीं देवरानी ढूंढ लिया इसको। मैं फोन करती हूँ, जब भी इसको फोन करती हूँ, कुछ भी काम होता है ना, कन्नू बिजी रात को पढ़ाई करते टाइम पता क्या करते हैं, किताब खोल कर रखेंगे और वो ब्लूटूथ से लगा रखे होते कान में, भाई दिखती भी नहीं है जो, और ऐसे करके बंदा सोचता है कि यार इतनी गहराई कैसे पढ़ सकता कोई इंसान अचानक, मतलब है ना। और जब देखो तो फोन पे, बता भाई बता, शर्मा मत, बोल बोल, कोई बात नहीं, जिसका मैसेज भेजेगा वही है। क्या बोला इसने, आपको समझ आया क्या? जिसका मैसेज तुमको आएगा। मुझे आया तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, भूल गई। कह रहा जिसका मैसेज तुम्हें, मैं बताती हूँ आपको समझ नहीं आएगा ना, देवर जी कह रहे जिसका मैसेज तुम्हें और भैया को आया था वही है, तो हमने तो उसे ब्लॉक कर दिया। तो देवरानी जी स्वागत है आपका हमारे परिवार में, एक छोटा सा परिवार हमारा, छोटा सा खेलता हमारा, छोटा सा खेलता हुआ बच्चा आपने बिगाड़ दिया यार। अभी तो कितना सा है ये, इतना अभी दिखने में बड़ा है पर अभी बहुत मासूम है, छोटा छोटा बच्चा है। जा बेटा कर ले बात, कर ले फोन आ रखे, जा सवाल कर ले बात, कर ले कोई बात। देखो गाइस कितना भोला देवर है मेरा, सड़क भी मेरे से बिना पूछे नहीं जाता। जा बाबू जा जा फोन पे लगे रह जा, बाय 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 बाय। नहीं नहीं कुछ नहीं लाना, टॉफी ले आयो, टॉफी खत्म हो रखी है। तो ये मैंने तेरे पैसे देने तेरे, कैसे हो? बहुत दिनों बाद दिखे आप, कहाँ घूम रहे हो आप आजकल? स्कूल में, ठीक है बाय बाय। बहुत उछलने लग गया मैंने, थोड़ी सी वो क्या बोल दिया है ना लड़का हमारा, उछलने लग गया। खैर देवर के साथ चलता है इतना मजाक हल्का फुल्का, तो मैं भी चलती हूँ नीचे और ताऊ जी से मिलवाती हूँ आपको, मेरे फेवरेट ताऊ जी गाँव के। प्रणाम, हेलो बोल ताऊ जी। हेलो, ये मेरे फेवरेट ताऊ जी हैं गाँव के, पूरे गांव में सबसे अच्छे लगते हैं मुझे ताऊ जी, सच्ची बता रही हूँ। ये तेल का डब्बा राइस ब्रान है, कहाँ लेके जा रहे उसको? ये उनको देने। अच्छा अंकि भैया रुको, अंकल जी को। अच्छा ठीक है, कहाँ? अच्छा अभी वहीं जा रहे होंगे, ठीक है। ये अंकि के लिए किलो है। आपको बता ताऊ जी आप मेरे फेवरेट हो पूरे गाँव में, आपको थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, वेलकम। इस मौसम इतना मस्त हो गया ना, ठंडा ठंडा, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, तो पहाड़ों में मौसम ठंडा ही होता है। टॉफी वाले लेके आए जो कटघड़े से होते, मतलब कोई भी ले आयो पर वो वाले मत लेके आयो ना जो ग्लाइड हो जाते हैं जल्दी से, वो वाली नहीं। हाँ नहीं वो नहीं, वो ज़्यादा मीठी है, दूसरी लेके आयो। बाय 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 टाटा। यार कौन सी टॉफी लेके आनी है, मतलब देखो ना सोचने वाली बात है। देखो मैंने ऐसे अपने रिश्ते बनाई तो रखे होंगे, जब मतलब मेरे देवर, मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी इतने प्यार से रहते हैं मेरे साथ, क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट आते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा ध्यान वीडियो बनाने पे होता है, ये वो अपने घर को संभालो लाना खिलाना, तो मैंने अच्छा खासा अपना घर संभाल रखा था। मेरे घर वाले ऐसे हैं, तो प्लीज़ बोलने से पहले ना थोड़ा सोचा करें। मैं आपको 1000 बार बोलती हूँ ये चीज़, सबको नहीं बोल रही, लेकिन कुछ हेटर्स हैं जो नहीं बाज, मतलब बाज नहीं आते अपने कमेंट करने से, और मैं वैसे लोगों के मुँह ही नहीं लगना चाहती, इसका मैं उनका रिप्लाई नहीं करती हूँ। तो खैर ये तो बोलने वाली बात है। यहाँ देखो हमारी कैट कितनी एंजॉय कर रही है बारिश में। आपको बहुत दिनों बाद वैश्यूर से मिलवाती हूँ, ठीक है? काफी टाइम से दिखे नहीं ना आपको डुगो और हेलो 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 कर, हेलो गाइस कर। अच्छा वैश्य बाल कहाँ गए? बाल गाइस हमारे वैश्य के बाल चले गए, चुवेनी खा लेना, गाइस हमने इसके बाल कटवा दे क्योंकि अब इसके घने घने बाल आएंगे उसके बाद। डुगू हेलो गर, ठीक है बड़ी बोल रहा, वो बोलता ही नहीं है, वो पता नहीं क्या हो गया उसको, साइलेंट सा हो गया। पहले बहुत बातें करता था लेकिन अब उसे पता नहीं क्या हो गया, सीरियस हो रहा वो धीरे धीरे सीरियस, तो वो नहीं करता किससे बात नहीं करता ना, वो आता जाता है यहाँ पे। पहले आप लोग, पहले मेरे साथ ही रहता था, आपने नोटिस किया होगा अगर ना, तो पहले मेरे साथ ही रहता था लेकिन अब नहीं आता जाता इधर उधर। आप लोगों को एक चीज और दिखाऊंगी मैं, ये पत्थर है ना, तो ये पत्थर हमारे काली का माता का माना जाता है। नीचे कोई मंदिर था, मैंने भी ढंग से सुना नहीं है पर जितना मुझे पता है वो बता देती हूँ। नीचे कोई काली का मंदिर मंदिर होगा या काली का माता का वो होगा पत्थर वगैरह होगा। तो हम लोग यहीं से जब सरसों होता है ना हमारे यहाँ पे,
सरसों की खेती होती है तो तेल वगैरह लेके आते हैं, जब अपनी खेत का तेल वगैरह निकाल के लेके आते हैं ना, तो हम लोग यहीं पे चढ़ाते हैं सबसे पहले इस वाले पत्थर में, और इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। आज मुझे एक और बात पता चली इस पत्थर के बारे में, कहते हैं कि यहाँ पे क्या होता है ना, जब छुट्टियाँ वगैरह पड़ते तो जून वगैरह में घर आते हैं बच्चे, वैसे तो यहाँ पे ज़्यादा बच्चे हैं नहीं, लेकिन जून वगैरह में सारे बच्चे घर आते हैं जो यहाँ से भाग गए होंगे ना, तो कहते हैं यहाँ पे खेलते खेलते इस पत्थर से बहुत बच्चे नीचे गिरे हैं, मतलब जैसे खेलते खेलते गिर जाते हैं ना कई बार, लेकिन मजा अलग, किसी को इतनी सी चोट भी नहीं आई बिल्कुल नहीं, तो मतलब इतनी मान्यता है इस वाले पत्थर की। आज तो उन लड़कियों के सपने भी चोर चोर हो गए होंगे जो बोलते थे कमेंट में कि अपने देवर का नंबर दो ये वो, तो गाइज मेरे देवर जी ने भी लड़की पसंद कर ली है। वैसे तो अभी शादी होने तक तो पता नहीं कितनी लड़कियां पसंद आएंगी, कितनों से होगी, लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि एक ही बंदी पे टिक जाता है बंदा, तो क्या पता हो जाए अभी से और लास्ट तक चले, तो देखते हैं, वेट करते हैं कि देवरानी जी वही आएगी कि कोई और आ जाएगी, लेकिन आप अपनी मेहनत जारी रखें, कमेंट करते रहें।